आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज पूरा देश कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े नेता इस जंग में मदद की अपील कर चुके हैं। झारखंड के हजारों लोग देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनकी यथासंभव मदद भी की जा रही है। इधर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भी कई लोग मदद की आस में हैं। इनको न केवल मदद की बल्कि जागरूक करने की भी जरूरत है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता भी कोरोना फाइटर बन जाएं और लोगों की मदद करने के साथ उन्हें जागरूक करें। शहरी इलाकों में तो राजनीतिक दल अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद कर ही रहे हैं। जरूरत गाँव पर ध्यान देने की है। भारत जैसे गाँव के देश में कोरोना से जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक जमीनी स्तर पर कोरोना के खिलाफ एक सशक्त अभियान ना चलाया जाए। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये अभियान बिना राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से संभव नहीं हो सकता। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को गांव में सक्रिय होने के लिए कहा जाए तो ये जंग जीतना बेहद आसान हो जाएगा। कोरोना से जंग राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका और महत्व को रेखांकित करती आजाद सिपाही ब्यूरो की रिपोर्ट। 3 दिन पुराना वाक्य है। रांची के पौश इलाके कांके रोड में एक राजनीतिक दल के नेता और उनके साथ उनके करीब 10 समर्थक पास की बस्ती में लोगों के बीच खाने का पैकेट बांट रहे थे। तस्वीरें उतारी जा रही थी और लोग भी खाना खाकर नेताजी का गुणगान कर रहे थे। नेताजी से हमने सवाल किया कि वो बस्ती के भीतर जाकर खाना क्यों नहीं बांटते, तो उनका जवाब था कि उनकी पार्टी का निर्देश केवल शहरी इलाकों में ही भोजन बांटने का है। नेताजी के साथ जो कार्यकर्ता थे वे सभी आसपास के गाँव से आए थे। उनसे जब हमने पूछा कि वे अपने गाँव में काम क्यों नहीं करते तो उन्होंने संसाधनों की कमी की बात कही। इस वाकये से ये साफ हो गया कि कोरोना के कारण पिछले एक सप्ताह से जारी लॉकडाउन के दौरान गांव का हालचाल लेने कोई नहीं गया है। झारखंड के बड़े और छोटे शहरों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता खूब काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि गांव की ओर उनका ध्यान अभी तक नहीं गया है। यही कारण है कि गांव में आज तक लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सका है। इन गांव टोलों में बाहरी लोगों का प्रवेश तो बंद कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग कोरोना महामारी को लेकर कितनी सतर्कता बरत रहे हैं ये देखने की बात है। गुमला में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वहीं इटखोरी में लोग मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल और साबुन से हाथ धोने की आदत तो अब तक अधिकांश लोगों को नहीं लगी है। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता जहां शहरी इलाके में बेहद सक्रिय हैं और जी जान से जरूरतमंदों की मदद करने में जुटे हैं, वहीं विपक्षी भाजपा की ओर से भी प्रभावी तरीके से जरूरतमंदों के बीच खाना दवा बांटने का अभियान शुरू किया जा चुका है। लेकिन ये गतिविधियां अब तक शहरी इलाकों तक ही सीमित है। आज जरूरत गाँव में राहत कार्य चलाने की है, क्योंकि झारखंड को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए गाँव को सुरक्षित बनाना बेहद जरूरी है। ये सभी जानते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं हैं कि इस खतरनाक संक्रमण से पीड़ित सभी व्यक्ति का इलाज किया जा सके। राज्य के पास संसाधन सीमित हैं और स्वाभाविक तौर पर शहरों में रहने वाली आबादी आसानी से इनका लाभ उठा सकती है, जबकि गांव के लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में वक्त लगता है। चूँकि इस बीमारी का इलाज अब तक नहीं मिल सका है, इसलिए गांवों को बचाना बेहद ज़रूरी है। यदि ये संक्रमण गांव तक पहुंच गया तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक दलों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता अपने इलाके के हर घर से परिचित होते हैं और वहां की ज़मीनी हकीकत भी वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वे इस संक्रमण को रोकने में अधिक कारगर हो सकते हैं। ज़रूरत केवल उन्हें रास्ता दिखाने की है। दल चाहे कोई भी हो, उसकी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, आज सभी को कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, लेकिन उसे भी एक दायरे में रहकर काम करना होता है। चाहे
चाहे लॉकडाउन का अनुपालन हो या सोशल डिस्टेंसिंग का, राजनीतिक कार्यकर्ता अपने इलाके के लोगों को अच्छी तरह समझा सकता है और उसे जागरूक बना सकता है। इलाके के लोगों की मुश्किलें और उनकी जरूरतों की जानकारी भी स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पहले होती है। ऐसे में यदि ये राजनीतिक कार्यकर्ता अपने स्तर से ही समस्या का समाधान कर देंगे तो फिर जिला या राज्य मुख्यालय पर दबाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है जब तमाम राजनीतिक दल अपने मतभेदों को भुलाकर झारखंड के गांव को कोरोना के संक्रमण से बचाने की मुहिम में जुट जाएं। इससे उन्हें दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो वे जरूरत के वक्त गाँव के साथ खड़े होने का गौरव हासिल करेंगे और दूसरा, संकट खत्म होने के बाद उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। इसलिए राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को गांव की ओर चलने का आह्वान करना चाहिए ताकि झारखंड के गांव बचे रह सकें। ग्रामीण इलाके के अपने कार्यकर्ताओं को संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सक्रिय करना चाहिए, जिसका तत्काल लाभ दिखाई देने लगेगा। न प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी और न लोगों को कोई दिक्कत होगी। ऐसा कर झारखंड पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर सकेगा कि हम रहते शहरों में हैं, लेकिन हमारी आत्मा आज भी गांव में बसती है और झारखंड अपनी आत्मा को कभी कोरोना से संक्रमित नहीं होने देगा। इसी बीच मैं एक ट्वीट आपसे शेयर करना चाहूँगा। किसी ने ये ट्वीट शेयर किया जिसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रीट्वीट भी किया। इसमें कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं जहाँ दिखाई पड़ता है कि गाँव के लोग सही में जागरूक हो रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए वो अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं, तो इससे लगता है कि गांव, हमारा झारखंड का गांव सुरक्षित रहेगा। इसमें एक घर के बाहर पोस्टर चिपकाया गया है जिसमें लिखा है, 14 अप्रैल तक कोई मेरा घर नहीं आना, नहीं तो मैं किसी का घर नहीं जाऊंगा। ये देखिए जागरूकता। और एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींची गई है। और एक और तस्वीर है जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रेखाएं खींची गई हैं। ये सही में गांव की जागरूकता है। जरा सोचिए, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं तो सही में हमारा गांव बहुत सुरक्षित रहेगा और कोरोना को मुंह तोड़ जवाब भी देगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रियता अखबार आजाद सिपाही। आप गूगल पर आज़ाद सिपाही ई पेपर टाइप कर इसका डिजिटल संस्करण भी पढ़ सकते हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।